नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। खालिस्तान टाइगर फोर्स प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में आए दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। इस कड़ी में एक इंडिपेंडेंट ब्लॉगर ने दावा किया है कि निज्जर की हत्या में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के एजेंट शामिल थे। जेनिफर जेंग का आरोप है कि निज्जर की हत्या के बाद चीन का उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करके भारत को फंसाना था। वर्तमान समय में जेंग अमेरिका में रह रही हैं। जेंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने निज्जर की मौत को हत्या करार देते हुए कहा, आज कनाडा में सिख धार्मिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में चौंकाने वाले खुलासे CCP के भीतर से सामने आए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि हत्या CCP एजेंट द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि इसी साल 18 जून को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फ्रीलांस ब्लॉगर जेंग ने अपने आरोपों को लेकर चीनी लेखक और यूट्यूब लाओ डेंग के दावों का जिक्र किया है। कुछ हफ्ते पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में कहा था कि जांच एजेंसियां निज्जर की हत्या के मामले में भारत की सम्मिलितता को लेकर जांच कर रही हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल शुरू हो गया था। भारत सरकार ने कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।